28 अप्रैल 2019, कोलकाता का आइटन गार्डन। शाम के 7:30 बज चुके थे। मुंबई और केकेआर दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे और टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अपने होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर केकेआर ने अपने उभरते ओपनर गिल और लेन के साथ पारी की शुरुआत की। गिल ने पहले ही ओवर से मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और पहले ओवर में 14 रन कूट कर अपने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दी। लेकिन केपी और मलिंगा ने अगले 2 ओवर तक केकेआर के बल्लेबाजों की रनगति पर विराम लगा दिया। लेन ने पहले केपी को आड़े हाथ लिया, फिर लसित पर एक विस्फोटक प्रहार के बाद अपने टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। पारी का पहला पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। विस्फोटक शुरुआत के बाद केकेआर के बल्लेबाज अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। केकेआर के इन दोनों बल्लेबाजों ने अब राहुल चहर को टारगेट किया और राहुल चहर के पहले ओवर में 1 छक्के और 1 चौके के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक पारी को जारी रखा। अपने पहले ओवर में 2 रन देने वाले केपी अब अगले 2 ओवर में 25 रन लुटा चुके थे। केकेआर एक विस्फोटक रनगति से अपने सैकड़े की ओर बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस को तलाश थी अभी भी 1 विकेट की। पारी के 10वें ओवर में राहुल चहर ने क्रिस को अपने जाल में फंसा लिया। एक विस्फोटक पारी के बाद लेन मुंबई के लिए पहला शिकार बन चुके थे। दूसरे शोर से जसप्रीत के अलावा मुंबई का कोई गेंदबाज केकेआर के बल्लेबाजों को खामोश करने में कामयाब नहीं था। अब केकेआर के खाते में महज 60 गेंदों में 97 रन थे। मुंबई गेंदबाजों की ये राह अब आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब केकेआर ने अपने टीम के ब्रह्मास्त्र आंद्रे रसल को मैदान पर उतार दिया था। आंद्रे रसल एक ऐसा नाम जिसके तूफान से पूरी दुनिया वाकिफ थी, और अगर ऐसे हालात में आंद्रे अंदर है तो पूरी दुनिया को यकीन था कि गेंद बाहर हो। एक छोर से गिल की मार और दूसरे छोर से आंद्रे का प्रहार मुंबई गेंदबाजों के लिए एक नाइटमेयर था। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन मुंबई गेंदबाजों को डरा रहा था, और इस डर की वजह था आंद्रे का ये प्रहार। कुछ वक्त खामोश रहने के बाद आंद्रे ने 14वें ओवर में इन 3 विशालकाय छक्कों के साथ मुंबई गेंदबाजों पर आक्रमण कर दिया। आंद्रे के इस कहर से पूरे मुंबई में कोहराम था। अनुभवी मलिंगा को भी आंद्रे ने अगले ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर मुंबई फैंस को आने वाले तूफान से आगाह करा दिया। केकेआर का जो स्कोर 10 ओवर में 97 था, अब वही स्कोर 157 तक पहुंच चुका था। आंद्रे के इस प्रहार के बीच में केकेआर ने अपना दूसरा विकेट खो दिया। गिल ने मैच 45 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए। आंद्रे का यह विस्फोट अब पूरी तरह चरम पर था। ऐसे में मुंबई ने आंद्रे के इस आतंक को रोकने के लिए जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी आंद्रे के इस आतंक का शिकार बन गए। मैच के 17वें ओवर जसप्रीत बुमराह को आंद्रे ने 1 छक्के और 1 चौके के साथ 13 रन बटोर लिए। ऐसे में कप्तान हिटमैन ने एक बार फिर से हार्दिक को आक्रमण पर उतारा, लेकिन आंद्रे ने हार्दिक को बैक टू बैक 3 छक्के जड़कर गिल का प्रतिशोध पूरा किया। मुंबई का हर गेंदबाज अब त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज कर रहा था, क्योंकि आंद्रे के आतंक से मुंबई का कोई गेंदबाज नहीं बच पाया था। आंद्रे ने 19वें ओवर में एक बार फिर से 15 रन जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, और आखिरी ओवर फेंकने आए लसित मलिंगा को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन पीट दिए और अनुभवी मलिंगा के सारे अनुभव का अंत कर दिया। आंद्रे ने इस पारी में महज 40 गेंदों में 80 रनों की एक ताबड़तोड़ अपराजित पारी खेली। आंद्रे के आतंक और गिल के विस्फोट की बदौलत केकेआर महज 20 ओवर में 232 रन बना चुकी थी। क्रिस लिन ने महज 29 गेंदों में 54 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं आंद्रे ने इस मैच के समीकरण को बदल कर रख दिया। ये रहा केकेआर के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का लेखा जोखा। हार्दिक पांड्या मुंबई के सबसे सफल गेंदबाज रहे। हार्दिक ने मैच 3 ओवर में 31 रन लुटाकर 1 विकेट लिया। अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 232 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। असंभव सा दिखने वाला यह लक्ष्य मुंबई के लिए आसान तो नहीं था, परंतु मुंबई जैसे महाशक्ति के सामने ये लक्ष्य असंभव भी नहीं था। मुंबई ने इस लक्ष्य के भेदन के लिए अपने कप्तान और साउथ अफ्रीकन डायनामाइट क्यूडीक्यू को मैदान पर उतार दिया। पारी के पहले ओवर में मुंबई के कप्तान ने 2 शानदार चौकों के साथ इस लक्ष्य वेदन का बिगुल बजा दिया, लेकिन अगले ओवर में साउथ अफ्रीकन डायनामाइट को धराशायी कर मुंबई की उम्मीदों को पस्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। साउथ अफ्रीकन डायनामाइट को खोने के बाद मुंबई अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी खो चुकी थी। बल्लेबाजी में अपने कहर से मुंबई पर कोहराम मचाने वाले आंद्रे ने
और बॉल से मुंबई पर अपना प्रहार प्रारंभ कर दिया। मुंबई के खाते में महज 41 रन थे और इस 41 रन को बनाने में मुंबई ने अपने दो विस्फोटक बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में 232 रनों का यह लक्ष्य धीरे धीरे मुंबई के लिए अब नामुमकिन से असंभव बनता जा रहा था। आंद्रे के इस आतंक में मुंबई ने अपने दो विस्फोटक बल्लेबाजों की आहुति दे दी। इन तीन बल्लेबाजों का घाव अभी भरा नहीं था कि आंद्रे ने मुंबई पर अगला प्रहार कर दिया और मिस्टर सूर्य कुमार को अपना शिकार बना लिया। ऐसे हालात में मुंबई की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। मुंबई के ये विस्फोटक बल्लेबाज तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ऐसे में मुंबई के लिए मैदान में थे मुंबई की आखिरी उम्मीद, मुंबई का महानायक श्रीमान कायरन पोलार्ड। हल्क, पावर हाउस, डिस्ट्रक्टिव, दीज आर इनफ। और मिस्टर हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या। इन दोनों के लिए ये लड़ाई यहाँ से आसान नहीं थी क्योंकि मुंबई ने 10 ओवर के अंदर अंदर अपने सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान चार बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में पांड्या ने पहले पोलार्ड के साथ केकेआर के पुराने चावला को अपना शिकार बनाया और चावला की इस ओवर में 18 रन कूटकर अगले ओवर में विस्फोटक प्रहार का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में महज 78 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से 2 गुना था। ऐसे हालात में मुंबई के लिए अब हर बॉल पर 2 रन चाहिए थे। एक छोर से छोटे पांड्या हर गेंदबाज का हार्दिक अभिनंदन कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कायरन बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक ने पहले सुनील से नारायण नारायण का जाप करवाया और फिर पीयूष को पीटकर पुराने चावल का नया स्वाद चखाया। हार्दिक का यह विध्वंस केकेआर के लिए एक सरदर्द बन चुका था क्योंकि केकेआर जिस मैच में जीत के करीब थी और उसी मैच में केकेआर को अपने हार की बू आ रही थी। ऐसे में केकेआर के कप्तान कार्तिक ने एक बार फिर से नारायण को आक्रमण पर उतारा। इस बार नारायण ने आक्रमण में आते ही मुंबई के कर्णधार कायरन को अपना शिकार बना लिया। पोलार्ड के जाने के बाद हार्दिक ने महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक जमाया। अब मुंबई की आखिरी उम्मीद हार्दिक से थी और इस मैच को बचाने के लिए हार्दिक का ये एक तरफा संघर्ष अभी भी जारी था। पारी के 16वें ओवर में हार्दिक ने पीयूष चावला को एक बार फिर से 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन कूट दिए। फिर अगले ओवर में नारायण को एक बार फिर से 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 14 रन पीट दिया। 17वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 170 के पार पहुंच चुका था, परंतु जीत के लिए रिक्वायर्ड रन रेट अब 20 रन प्रति ओवर जा चुका था। असंभव से दिख रहे इस लक्ष्य को हार्दिक अपने पराक्रम से संभव बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और इसी प्रयास में हार्दिक ने 18वें ओवर की शुरुआत 1 छक्के और 1 चौके के साथ की, परंतु ओवर की आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पर हार्दिक के प्रहार और बाउंड्री के बीच द मैन द मिथ द नेम ऑफ आतंक द आंद्रे रसल। आंद्रे ने इस कैच के साथ हार्दिक की पारी का अंत किया और हार्दिक के आउट होते ही यह मैच पूरी तरह से केकेआर के कब्जे में आ चुका था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस मैच 198 रन बना पाती है। मुंबई अब यह मैच 34 रनों से हार चुकी थी। इस असंभव से दिख रहे लक्ष्य को संभव बनाने के लिए हार्दिक पांड्या ने महज 34 गेंदों में 91 रनों की एक विध्वंसक ताबड़तोड़ पारी खेली। हार्दिक की ये पारी आज भी केकेआर के फैंस के जहन में जिंदा है। यह रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। हार्दिक के अलावा कोई भी मुंबई का बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहा। यह रहा केकेआर के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। केकेआर की ओर से आंद्रे रसल ने 4 ओवर में मैच 25 रन लुटाए और 2 बड़ी सफलता लेकर के इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे।